हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7, छोटू बेबी भी सो रहा है। कल का व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था, आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। और मॉर्निंग का समय है तो मैं बना रही हूँ चाय और छोटू बेबी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। छोटू बेबी को उठते साथ ही भूख लग जाती है तो मैं उसके लिए दूध गर्म करूँगी और अपने लिए बनाऊँगी चाय। चाय पीने के बाद मैं निपटा लूँगी घर के कुछ काम और बेबी खेलेगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए डेली व्लॉग नहीं आ रहे हैं। जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना बेबी के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी। चाय बनाते बनाते ही बेबी की आवाज़ आने लगी, बेबी उठ गया है तो उसे मैं पिला रही हूँ दूध। और दूध पीने के बाद बेबी को लेके बैठूँगी बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा में, ताकि बेबी को फ्रेश एयर मिलती रहे, तो बेबी को अच्छा लगता है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बेबी को बाहर की ठंडी हवा लगना चाहिए। इसलिए बेबी को मैं सुबह सुबह उठ के लेके बैठे रहती हूँ बाहर। और बेबी को थोड़ी देर बाहर बिठाने के बाद मैं आ गई हूँ घर के अंदर और बेबी अब खेल रहा है। खेलते खेलते बेबी फिर सो गया। थोड़ी देर बाद बेबी सो गया, क्योंकि बेबी जल्दी उठ जाता है तो जल्दी सो भी जाता है। बेबी सो गया। सोकर उठने के बाद मैं पिलाऊंगी बेबी को दूध। दूध पीने के बाद होगी बेबी की मसाज और बेबी को नहलाऊंगी। बेबी नहाने के बाद फिर खेलने लगा। और अब हो गया है इवनिंग टाइम, तो मैं बेबी को ले गई थी बाहर घुमाने के लिए। शाम के समय मैं बेबी को रोज़ ले जाती हूँ गार्डन में घुमाने के लिए।
करवाने के बाद बेबी खेल रहा है। थोड़ी देर बाद बेबी जाग गया। रात में रूम में आकर बैठा है और टीवी की तरफ देख रहा है। तो कुछ इस तरह निकल जाता है मेरा बेबी के साथ पूरा दिन। टाइम ही नहीं मिलता बेबी के। और अब हो गया नेक्स्ट डे। तो बेबी को ले गए थे घुमाने उसके पापा। और इवनिंग टाइम में मैं ले गई थी बेबी को बाहर घुमाने के लिए गार्डन में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।